मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी, जो मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो करने जा रहे हैं। 11th 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए में आता है। उसके अलावा आरआईएमसी के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है और बहुत बेसिक लेवल पे। तो आज हम सिर्फ बेसिक लेवल टच करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद हम इन डिटेल जानने वाले हैं ताकि एनडीए के बच्चों को इससे मदद मिले। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पहले बेटा, प्रोबेबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग है वो है चांस। आप बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनका आउटकम एक से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। सपोज अगर मैं एक सिक्का उछालूँ तो उसका आउटकम हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। मतलब आप श्योरली नहीं बता सकते या श्योरली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे एक्शंस को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आप सर्टेनली क्या डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आगे आने वाले हैं, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस लिटरली इट मींस चांस, ठीक है, कि क्या चांसेस हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि आज बारिश होने के चांसेस हैं 50%, 60%, तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कौन प्रिडिक्ट करते हैं? वेदर डिपार्टमेंट वाले या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले। तो वो भी किसका यूज़ करते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टूल है कि किसी इवेंट के होने या ना होने की हम लोग हल्की सी आशंका लगाते हैं या चांसेस उसके बताते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा प्रोबेबिलिटी की? हाँ, व्हाट विल बी द डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले, इट लिटरली मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लिटरली मीन्स चांस, ठीक है, चांस, ओके। अच्छा, अब कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करी है, इन जनरल मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने लैब्स में। तो क्या होता है वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, एक एक्शन है जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट है, एक सर्टेन रिजल्ट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्शन है जिसके कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं, एक या एक से ज्यादा रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एन एक्शन विच कैन गिव वन और मोर वेल डिफाइंड रिजल्ट्स, ठीक है, ओके। तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट वो एक्शन है जो एक से ज्यादा वेल डिफाइंड रिजल्ट्स दे सकता है। अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो वहां पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, अब बेटा दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक होता है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है मेरा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जिसमें हमें आउटकम ऑलरेडी डिटरमाइंड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में या बायो की लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे पता है आउटपुट क्या आने वाला है। लेकिन जो आपके अनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आउटकम नहीं पता सर्टेनली क्या होगा। जैसे सिक्का उछालना, कॉइन उछालना, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है या अनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटपुट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। सिक्का चलूंगा कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन डालूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो वी हैव डन एक्सपेरिमेंट, नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, जिसका सर्टेनली आप आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक लेवल कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट ये जानना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी को करने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर, 12th वाले बच्चे प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 11th में तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, 12th में थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इन डिटेल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और उसके अलावा आरएनसी के बच्चों के लिए याद रखना, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आता है, तो आप बेसिक सीख लो, आपको बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम
whose outcome is not predicted with certainty. ठीक है, मतलब आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ना, टॉसिंग अ कॉइन कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, यू कैन गेट हेड और यू कैन गेट टेल, कुछ भी आ सकता है. आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि सर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. ठीक है, उसके अलावा रोलिंग अ डाइस, ठीक है, जो लूडो में आप लोग डाइस का यूज करते हो, रोलिंग अ डाइस, उसमें भी तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 to 6 से लेकर कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो वो भी आप सर्टेनली नहीं बता सकते. तो ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कैसे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, इतना क्लियर है. अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं सैंपल स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बेटा हम थोड़े थोड़े डिटेल में जा रहे हैं. सैंपल स्पेस, ये चीजें जाननी जरूरी है क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिफाइन नहीं करा है. प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले आपको इन टर्म्स के बारे में जानना इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करो, उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो उसका सैंपल स्पेस है. सपोज अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ, तो एक सिक्के उछालने में आउटकम के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो हेड और टेल क्या होंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं. डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है, स्टार्ट. अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, रोलिंग अ डाइस. अगर मैं डाइस को फेंकूँ, लूडो की डाइस को फेंकूँ, तो क्या क्या आ सकता है? एक भी आ सकता है नंबर, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी. तो ये जो 1 to 6 से जो नंबर्स हैं, ये आपके सैंपल स्पेस हैं. तो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो उसके डेफिनेशन के साथ हम लोग करते हैं. ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस. ठीक है, सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वी विल रिप्रेजेंट सैंपल स्पेस बाय कैपिटल एस. ओके फाइन, चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा सेट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स में. ठीक है, सेट्स एक अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है. आगे एनडीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सीडीएस में भी आता है और आरएमसी के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं, थ्रोइंग या टॉसिंग अ कॉइन. हमने एक कॉइन को छाला, तो मेरा जो सैंपल स्पेस होंगे उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ. सपोज एस से सैंपल स्पेस क्या होगा, मेरा सैंपल स्पेस होगा या तो मेरा हेड आएगा कॉमा या तो मेरा टेल आएगा. तो यही पॉसिबल क्या है मेरे सैंपल स्पेस है. ठीक है, यही पॉसिबल मेरे सैंपल स्पेस है. अच्छा अब ये सैंपल स्पेस कितने हैं उसको हम लोग कार्डिनेलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, कार्डिनेलिटी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनेलिटी. ये टर्म्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कार्डिनेलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्डिनेलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट. तो जैसे हमारे पास एक सेट है S नाम का, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं. तो मैं यहाँ से अगर n ऑफ S निकालूँ, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं बेटा n ऑफ S. ठीक है, n ऑफ S कितना आएगा, दो, टू, क्योंकि सिर्फ टू एलिमेंट्स हैं, हेड या टेल. हाँ अच्छा अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, सपोज रोलिंग अ डाइस. अगर आप डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस. आप मैं इसको एस सपोज एस वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है बेटा, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है और सिक्स आ सकता है. ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये तो आपका सैंपल स्पेस हो गया. और मैं अगर इसकी कार्डिनेलिटी चेक करूँ, सैंपल स्पेस की कार्डिनेलिटी, तो कितने एलिमेंट्स हैं, छः एलिमेंट्स हैं. कितना जाएगा, छः जाएगा. अच्छा कभी कभी सैंपल स्पेस भी निकालने के लिए आता है एग्जाम में. ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ
सपोज टॉसिंग टू कॉइंस, टॉसिंग टू कॉइंस, टॉसिंग टू कॉइंस, तो अगर मैं दो कॉइंस को टॉस करूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? अच्छा दो कॉइंस को, बेटा देखो पॉसिबिलिटी क्या है, नाउ यू आर टॉसिंग टू कॉइंस, तो दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ सैंपल स्पेस, ठीक है, दोनों क्या आ सकते हैं हेड, मैं एच एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों हेड हो सकते हैं, ठीक है, दो कॉइंस या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों टेल्स, दोनों टेल्स, ठीक है। तो ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया, इसको समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अगर मैं बाय द वे एस टू नाम से कोई भी सैंपल स्पेस बनाऊं तो क्या क्या आ जाएगा, एच एच मतलब दोनों दोनों हेड, या एक हेड और एक टेल आ सकता है, या एक टेल और एक हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कार्डिनेलिटी कितनी आ गई, इसकी कार्डिनेलिटी आ गई फोर, चार एलिमेंट्स है, एक दो तीन चार। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको कार्डिनेलिटी जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आए हैं, ओके। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ टॉसिंग थ्री कॉइंस, टॉसिंग थ्री कॉइंस, थ्री कॉइंस, तो मैं आपको सैंपल स्पेस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे सैंपल स्पेस बनाना धीरे धीरे टफ हो जाता है, अगर बाय द वे मैं 10 कॉइंस को उछालूँ और तो वहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थ्री कॉइंस के केस में मैं आपको सिखाता हूँ। थ्री कॉइंस के केस में टोटल नंबर ऑफ एट सैंपल स्पेस आएंगे, तो एट सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं हम लोग, आप पहले हेड लिखना, हेड चार बार हेड लिखना, ठीक है, और फिर चार बार टेल्स, ठीक है, एक डायग्राम से भी बहुत इजीली सॉल्व होता है, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने चार बार हेड लिखा, चार बार टेल, फिर दो बार हेड और दो बार टेल, फिर दो बार हेड और दो बार टेल, ठीक है, उसके बाद एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो ऐसे आपके कितने सैंपल स्पेस आ गए, एट सैंपल स्पेस ना। तो अगर मैं इसको सेट में लिखूं, सपोज मैंने एस थ्री नाम से एक सैंपल स्पेस बनाया, ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, इसको ऐसे याद नहीं करना बेटा आपने, ठीक है, ये एक तरीका है निकालने का, मैं आपको अभी ये सिखाऊंगा अलग से। टेल हेड टेल वी हैव डन, नाउ टेल टेल हेड एंड एट लास्ट टेल टेल टेल, तो कितने सैंपल स्पेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इसको देखूंगा तो कितने जाएंगे, 8, ठीक है। अच्छा तो कार्डिनेलिटी निकालना इज वेरी इजी, कैसे, अगर आपने गौर किया हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया ना, जब आपने टॉसिंग कर रहे हो आप, ठीक है, टॉसिंग कर रहे हो, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, सबसे पहले कितने कॉइन्स, आपने एक कॉइन टॉस करा, ठीक है, वन कॉइन, तो आपकी कार्डिनेलिटी कितनी आई ना, एन ऑफ एस कितना है आपका, टू ना, इसको मैं 2 की पावर 1 भी बोल सकता हूँ, एक कॉइन के केस में क्या बोलूंगा मैं, 2 की पावर 1। अच्छा अगर आप दो कॉइंस, अगर आप दो कॉइंस उछालते हो एक साथ, तो इसकी कार्डिनेलिटी कितनी जाएगी, 2 की पावर 2, हमने देखा था ना 4 आई थी, ठीक है। अच्छा अगर आप तीन कॉइंस, तो हमने कितने देखे थे, 3 कॉइंस, 2 की पावर 3, कितने आए थे मेरे सैंपल स्पेस, 8 एलिमेंट्स आए थे। उसी तरीके से अगर 4 कॉइंस होंगे तो 2 की पावर 4, अरे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज हाउ मच, 16 ना, और उसी तरह अगर 5 होंगे तो 2 की पावर 5, 32। उसी तरह अगर मेरे पास 10 कॉइंस हो, सपोज 10 कॉइंस, तो 10 कॉइंस को अगर मैं उछालूं एक साथ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 2 की पावर 10 आउटकम आ सकते हैं बेटा, 2 की पावर 10 इज नथिंग बट 1024। तो एक जनरल, तो मैं रेड से क्या लिख रहा हूँ, जनरल, एक जनरल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ मैं आपको, इन जनरल, इन जनरल अगर n कॉइंस हैं, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर मैं n कॉइंस उछालूंगा तो मेरे जो सैंपल स्पेस आएंगे वो आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में, 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, 2 की पावर n, ठीक है। अगर एक कॉइन तो 2 की पावर 1 आंसर विल बी 2, 2 कॉइंस 2 की पावर 2 आंसर विल बी 4। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अच्छा इसी तरीके से एक फॉर्मूला आपका बनता है रोलिंग अ डाइस केस में भी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोलिंग, रोलिंग लिखता हूँ
और सबसे पहले कितने डाइस, आपने एक डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल किया तो मेरे कितने आउटकम आए, सिक्स आउटकम्स, जिसमें 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6 की पावर 1 इजिकल टू 6 लिखता हूँ। अच्छा, सेकंड केस में अगर आप दो डाइस को रोल करोगे, तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2, एंड योर आउटकम विल बी 36। ठीक है, ये कैसा आया, आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप दो डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों डाइस में 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3, और इसी तरीके से 6 1 6 2, और एट द एंड 6 6, तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो बनते हैं 36। इसका मैं आपको दो डाइस का मैं आपको सैंपल स्पेस दिखाता हूँ, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दो डाइस दो पासे फेंक रहे हो आप, दो डाइस फेंक रहे हो तो दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में 1 1 आ सकता है, ठीक है, या दोनों के ऊपर क्या आ सकता है, 1 2 या 1 3 या 1 4 या 1 5 या 1 6। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि पहले पासे में 2 आए, दूसरे में 1, या 2 2 या 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 1, फिर यहां से 4 1, फिर यहां से 5 1, फिर यहां से 6 1, और अल्टीमेटली क्या आएगा लास्ट में, 6 6 ना। तो आप यहां देखोगे यहां कितने, अगर आप नंबर ऑफ रोज देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 रोज आपकी, और कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 × 6 कितना आएंगे, 36। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसा आप निकाल सकते हो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and ultimately 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, तो टोटल कितने सैंपल स्पेस आ गए आपके, 36 सैंपल स्पेस। तो वैसे ही अगर बाय द वे 3 डाइस हो आपके, ठीक है, अगर आपके 3 डाइस हो, 3 डाइस तो कितना जाएगा, 6 की पावर 3, दैट इज नथिंग बट 6 6 36 6 216, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपकी n डाइस हो, ठीक है, तो 6 की पावर n इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोलिंग ऑफ अ डाइस के केस में, ठीक है। हाँ, तो सैंपल स्पेस निकालना आया बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, तो सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और हम लोग एक नया टर्म देखते हैं, सैंपल स्पेस वी हैव सीन, नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी दैट विल बी इवेंट, है ना। इवेंट क्या होता है, इवेंट सैंपल स्पेस हम सीख के, सैंपल स्पेस क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट क्या हुआ, इवेंट क्या हुआ बेटा, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्या बोलूंगा मैं, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या है बेटा, देखो सपोज अगर इवेंट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो सैंपल स्पेस का एक पार्ट होगा। आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, हम लोग सब वर्ल्ड कहाँ यूज करते हैं, मैं बोलता हूँ ना इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, एशिया का एक पार्ट है इंडिया ना, तो वैसे ही इवेंट क्या होगा, जो आपका जो सैंपल स्पेस आया उसका एक पार्ट होगा बेटा, ठीक है। तो मैं इवेंट को डिफाइन भी करूंगा आप लोगों के लिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वी विल डू सम एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे है हमारे पास टॉसिंग टू कॉइंस, ठीक है, टॉसिंग टू कॉइंस, तो टू कॉइंस में हमारा सैंपल स्पेस क्या आ गया, अभी हमने देखा था निकाल के, हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया और टेल आया ना, तो ये तो मेरा सैंपल स्पेस हो गए। अब मैं इवेंट्स को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इवेंट्स को, तो मैं दोबारा सैंपल स्पेस लिखता हूँ, सैंपल स्पेस मेरा आया हेड टेल और टेल हेड एंड देन टेल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब इवेंट्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है, इवेंट्स, तो हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं, सपोज इवेंट मैं क्या डिफाइन करूँगा, सपोज मैंने इवेंट डिफाइन करा दैट number of tails is exactly 2,
ना? तो बेटा देखो, इस इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके इवेंट के अंदर? नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली टू. मैंने आपसे क्या कहा था, इवेंट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस तो ये है, ये तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया आपके बेटा. अगर मैं दो सिक्के छालूंगा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा. लेकिन एक इवेंट मैंने डिफाइन करा. इवेंट क्या डिफाइन करा कि नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली दो होने चाहिए. तो नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली दो में एक ही केस आ रहा है बेटा, टी टी वाला. तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा, टी टी ना. तो अब यहाँ से देखो डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है ना कि इवेंट क्या है, ये जो टी टी है इसी सैंपल स्पेस का तो हिस्सा है, टी टी इसी का तो हिस्सा है, एच 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 टी टी एच टी टी. ठीक है, तो इवेंट क्या है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट है या एक पार्ट है, यू कैन से. ठीक है, सपोज मैं ऐसे बहुत सारे इवेंट्स को डिफाइन कर सकता हूँ. मैं एक इवेंट ए टू डिफाइन करूंगा कि सपोज नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स इज एट लीस्ट वन. नंबर ऑफ टेल्स इज एट लीस्ट वन. एट लीस्ट वन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टेल कम से कम एक होना चाहिए, एक, ज्यादा से ज्यादा जितनी लिमिट है. अच्छा, सैंपल स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कितने टेल्स हैं, दो टेल्स हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा एटलीस्ट वन, एक एग्जाम्पल दो, अगर मैं बोलूंगा हमारे पास एटलीस्ट दो टॉफिस होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, जितनी लिमिट है हमारी. सपोज अगर 10 टॉफिस की लिमिट है और अगर कोई कहेगा आप कम से कम दो टॉफीज लाइए, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी ला सकते हो, 10 ला सकते हो. उसी तरीके से एटलीस्ट वन का मतलब है कि कम से कम वन तो चाहिए चाहिए आपको, वन टेल. ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हो, जितने लिमिट है. और लिमिट क्या है, कितनी है बेटा सैंपल स्पेस की, दो टेल्स की लिमिट है. तो यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा यूट्यूब के अंदर देखना, कम से कम एक टेल. अच्छा, दो हेड तो आएंगे नहीं क्योंकि उसमें एक भी टेल नहीं है, तो हेड टेल आ जाएगा. क्यों आया हेड टेल, क्योंकि इसमें एक टेल है. टेल हेड भी आ जाएगा क्योंकि कम से कम एक टेल में एक टेल भी है, और दोनों टेल भी आ जाएंगे. कम से कम एक टेल में ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स हो सकते हैं. तो इसमें तीन एलिमेंट्स आ गए, और ये तीन एलिमेंट्स अगेन सैंपल स्पेस का तो पार्ट है. ठीक है, और अगर मैं ऐसे E3, और अगर मैं एक E3 बनाऊं, सपोज नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट टू. नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट टू का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स. तो कम से कम ये भी आपको समझना है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम का मतलब क्या है. कम से कम एक टॉफी का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी ला सकते हो, जितनी लिमिट है. और ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दो, कम से कम जीरो. ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मैं कहूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा दो टॉफी लानी है, ज्यादा से ज्यादा दो टॉफी, तो कम से कम कितनी ला सकते हो, आप जीरो टॉफी भी ला सकते हो. ठीक है, तो एटमोस्ट टू टेल्स का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स होने चाहिए, कम से कम जीरो टेल भी चलेगा. तो अगर मैं E3 बनाऊंगा, और E3 में मेरे कौन कौन से इवेंट्स आएंगे बेटा देखना, E3 में मेरा हेड हेड भी आ जाएगा. हेड हेड क्यों आया, क्योंकि इसमें टेल जीरो है, और टेल जीरो वाली कंडीशन भी आएगी. अगर मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 रुपए होने चाहिए, तो कम से कम जीरो भी हो सकते हैं. ठीक है, 1 रुपए भी हो सकते हैं, 2 भी, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे, कम से कम जितनी पॉसिबिलिटी है जीरो के साथ. ठीक है, तो मैंने हेड हेड क्यों लिया, क्योंकि इसमें जीरो टेल है, तो मैं हेड टेल भी ले लूंगा क्योंकि इसमें एक टेल है. ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए मुझे, दो से ज्यादा टेल नहीं होने चाहिए, और दो से ज्यादा तो होते ही नहीं इसमें, तो सारा ही आ जाएगा इसमें, टेल हेड भी आ जाएगा. एक ज्यादा से ज्यादा दो का है तो एक चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा दो तो दो टेल्स भी आ जाएंगे. ठीक है, तो हमने कुछ इवेंट्स डिफाइन करे हैं, और इसमें सभी आ गया. और ये जो E3 है, ये भी तो इसी का पार्ट है बेटा. देख लो ना, भले E3 में आपके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सैंपल स्पेस में है, लेकिन है तो अल्टीमेटली उसी का पार्ट. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो जितने भी इवेंट्स आए हैं, आपने जितने भी इवेंट्स देखे, ये E1 इवेंट देखा, E2 देखा, E3 देखा, ये सारे सैंपल स्पेस का ही पार्ट है. ये सारे क्या है, आपके सैंपल स्पेस के ही पार्ट है. अगर इतना क्लियर हो गया आपको, तो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताऊंगा. अब नाउ इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे लिखते हैं, अब हम डेफिनेशन में आएंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसको बल्कि मैं लिखता हूं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसको हम कैसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में मैं PRO भी लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, occurrence of an event A, of an event A, किसी भी event A की होने की probability क्या है, उसको हम लोग कैसे represent करते हैं, PA से. ठीक है, तो किसी भी event के होने की probability क्या होती है, उस event
इस इवेंट के आउटकम्स या उस इवेंट के मेरे क्या एलिमेंट्स, ये एन ऑफ ए क्या है, ये एन ऑफ ए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ए क्या है मेरा इवेंट है बेटा, ये ए इवेंट है याद रखना, दिस ए इज नथिंग बट इवेंट, तो ये इवेंट कितने हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज द फॉर्मूला। देखो कितना इजी है, हमें इवेंट पता ही है, ठीक है, तो कितना इजी है, इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं, ठीक है, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा लैंग्वेज में, ऊपर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन एन इवेंट, उस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको सैंपल स्पेस ही नहीं बताता, इवेंट ही नहीं बताता, तो मैं प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करता बेटा, ठीक है। नीचे क्या लिखा मैं बोला मैंने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखो हम कितने इजिली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो हमने जितने भी इवेंट्स अभी इससे पहले हमने करे थे, अब उनकी हम लोग एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो पहला इवेंट मेरा क्या था, इवन, अच्छा अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, यहां पर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, चलो मैं रेड से निकालता हूं, अगर मैं निकालूं पी ऑफ इवन, इवन होने, इस इवन इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छा सैंपल स्पेस में बेटा मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन चार, तो एन ऑफ एस कितना है मेरा, चार है, ये याद रखना आप, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन में कितने मेरे एलिमेंट्स है, एक, तो ऊपर तो एलिमेंट इवेंट में कितने एलिमेंट्स है, एक अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, फोर, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और इसको आप चाहो तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो, हाउ यू विल चेंज इट इनटू परसेंटेज, 1/4 इनटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 25%, तो 25% चांसेस है नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली टू आने के, ठीक है, कितना परसेंट, 25%, अच्छा नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, ये जो E2 इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं, E2, तो इस E2 इवेंट में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, तो इस इवेंट के एलिमेंट ऊपर आएंगे 3 अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तो 4 ही है, 3/4, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 इनटू 100 करोगे तो 75% आएगी, ठीक है, तो 75% विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी, और इन फ्रैक्शन यू कैन से 3/4, अच्छा E3 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी आएगी, देखो चारों के चार हैं इसमें, तो E3 की प्रोबेबिलिटी आएगी, एलिमेंट्स चार हैं इवेंट के और सैंपल स्पेस भी चार हैं, कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1, और 1 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में कितनी आई, 100%, कितनी आई 100%, ठीक है। तो देखो कितना ईजी है प्रोबेबिलिटी निकालना, और एक लास्ट पॉइंट एज अ नोट मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक एज अ नोट एक लास्ट पॉइंट और देखेंगे हम लोग, और वो नोट में क्या रहेगा कि हमेशा याद रखना बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 वैरी करेगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, और परसेंटेज में वैरी करेगी 0% to 100%, याद रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी फ्रैक्शंस में 1 से ऊपर नहीं आती और परसेंटेज में 100% से ऊपर नहीं, ठीक है, 100% का मतलब है 1, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आई तो उसका मतलब उसके होने के चांसेस पूरे 100% है। अगर मैं कहूँ, अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है, अगर वो कहेगा आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 100% है, मतलब आज बारिश 100% होगी, ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। यहीं से कुछ हमारे RIMC के सवाल हो जाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, वो दो चीज़ें क्या है, एक तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट, आपको पता ही चल गया इवेंट, और दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लेना, तो प्रोबेबिलिटी देखा हमने कुछ बेसिक्स, ठीक है, आगे हम लोग कुछ और इन डिटेल प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, तो उसके लिए बेसिक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इवेंट अपना क्लियर कर लेना, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स, कुछ और सैंपल स्पेस, कुछ और अच्छे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट।